गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ऐसा करेंगे आप लोग ठीक होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बस यहाँ पे मैं ट्राईपोड को सेट कर रही थी क्योंकि ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ दाल बाटी। तो बाटी के लिए मैंने स्टैंड में बैगन रख दिए हैं भुनने के लिए, और आंवला रखे थे उबालने के लिए। कुकर में सीटी आ गई थी, वैसे तो मैं वैसे ही उबाल लेती हूँ, बट मैंने कहा चलो इस बार काम कुकर में सीटी लगा के करते हैं। उसको मैंने आंवले निकाल लिए हैं, सीटी वो फेंक दिया है पानी जो गर्म था। यहाँ पे बस दाल निकाल ले रही हूँ, इसको धुल दूँगी। तो थोड़ी सी, वैसे तो हम लोगों के यहाँ कम ही दाल लगती है, और जैसे दाल बाटी बनती है तो उसमें थोड़ी सी दाल ज़्यादा चाहिए होती है। आज मैं दाल बाटी थोड़ी सी ज़्यादा बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरी जो आंटी है उनको भी खिलाऊँगी साथ के साथ में। तो यहाँ पे मैं अच्छे से 2-3 पानी से इसको धुल लूँगी क्योंकि दाल जो है हम लोग मार्केट से लेके आते हैं, तो फिर उसको धुल के ही बनाना चाहिए। पता नहीं उसमें कैसे क्या होता है, किन किन हाथों से गुजर के हमारे पास आते हैं। तो वैसे यहाँ पे मैंने धो लिया है, और यहाँ पे बेटी आ गई थी पूछने के लिए कि खाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा बस मैं खाने की तैयारी में ही लगी हुई हूँ क्योंकि संडे वाला दिन है, और मैंने सारा काम करके फिर नहाया धोया इसके बाद मैं खाने के लिए आ गई थी। खांसी इतनी तेज़ आ रही है, इतनी तेज़ आ रही है जैसे टीवी की मरीज़ हो गए हों। सो कोई बात नहीं, अभी खांसी की दवा ले लेंगे, बट वैसे भी वो ठीक नहीं होगी। जब अपने आप से ही ठीक होगी तभी होगी। जब तक मैंने बेटी से धनिया पत्ती मंगा ली थी तो बस वो मैंने धुल के रख दी है, और हरी मिर्ची, क्योंकि धनिया पत्ती हरी मिर्ची ख़त्म हो गई थी। तो मैंने बेटी से कहा सामने से ले आओ, क्योंकि हम लोगों के सामने में ही सारी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, जैसे जो नहीं होती है। वैसे तो मैं संडे वाले दिन ही सारी सब्ज़ी ले आती हूँ क्योंकि यहाँ पे संडे की मतलब मीन्स मार्केट तो काफ़ी ज़्यादा लगते हैं सब्ज़ी के, बट पति देखो सिर्फ संडे वाले दिन छुट्टी रहती है, तो संडे वाले दिन ही मैं सब्जियाँ लेके रख लेती हूँ। और फिर जैसे बीच में कम पड़ जाती है हरी सब्ज़ी तो वो भी मैं ले आती हूँ। यहाँ पे इस कटोरे को धुल के बाहर फेंक दूँ पानी, और फिर इसके बाद फिर मैं सब्ज़ी मीन्स बैगन वगैरह छील लूँ, और टमाटर वगैरह कट कर लूँ, प्याज हरी मिर्च। फिर इसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पे बैगन छीलने के लिए, और मैं जैसे कि बता चुकी हूँ खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, गला भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो आज आप लोगों को बैकग्राउंड से थोड़ी कम आवाज़ आएगी, गाड़ी वाहन की आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ही कम आएगी, मीन्स ना के बराबर आएगी। तो बस यहाँ पे मैं बैगन छील ले रही हूँ, सारे वो कर लूँगी, मिर्ची वगैरह अदरक सारा कुछ कट करके रख लूँगी। तो अदरक तो खैर मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ सूखे मसाले ही डालूँगी, और प्याज हरी मिर्ची लहसुन। मटर अभी मैं लेके नहीं आई हूँ क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो फिर मैंने मटर नहीं लाई है, वरना फिर मटर भी ले आते, बट अभी तो नहीं लेके आई हूँ, देखते हैं नेक्स्ट वीक से लेके आऊँगी। वैसे तो बेटी पूछ रही थी कि मटर लाओगी क्या, लेकिन मैं जैसे बता चुकी हूँ काफ़ी ज़्यादा महंगी है अभी, तो फ़िलहाल मैं नहीं लेके आऊँगी। यहाँ पे मैं बैगन छील ले रही हूँ, बैगन में कीड़ा देखना पड़ता है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कीड़े निकलते हैं। और इसके बाद फिर चटनी पीस लूँगी आंवले की। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आंवले की चटनी किस किस को पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी बेटी को बिल्कुल नहीं पसंद है। इस बार मैं सब्ज़ी लेना भूल गई थी, मीन्स आंवला लेना भूल गई थी, तो बेटी कह रही थी अच्छा हुआ जो आंवला नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैं आंवले की चटनी खा खा के परेशान हो चुकी हूँ। तो होता है बच्चों को जो चीज़ पसंद नहीं होती है फिर वो नहीं खाना चाहते हैं, और गर्म बहुत ज़्यादा थे तो मेरे हाथ में जल रहे थे। फिर मैंने कपड़े से पूछा, और मैंने कहा चलो इसे सिलबट्टे पे ही पीस लूँगी। और आप लोग सोच रहे होंगे मिक्सर में क्यों नहीं करती हूँ, तो मुझे सिलबट्टे का ही ज़्यादा स्वाद आता है और अच्छा लगता है, उसमें मुझे पता नहीं स्वाद नहीं मिलता है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सारे के सारे मसाले हो गए, चटनी हो गए, सारा कुछ जो है सिलबट्टे पे ही पीस लूँ। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पीस ले रही हूँ। आज मैंने इस वाले कुर्ते को डाला हुआ है क्योंकि यह संडे वाला दिन है, तो पूरा दिन इधर से उधर घूमते घूमते निकल जाता है, तो फिर बार बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, इसीलिए मैं सिर्फ़ एक ही बार कपड़े पहन लेती हूँ, मीन्स जो मुझे कहीं बाहर पहन के जाने होते हैं तो बस वही वाले पहन लेती हूँ, और फिर पूरे दिन के लिए फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पे आंवले की चटनी पीस ली है, और मैंने गैस को स्लो कर दिया है क्योंकि गैस वो हो रहा था। और आज मैंने मॉर्निंग से कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है, मीन्स खाने से स्टार्ट किया है 9 बजे के समथिंग से, 9 के थोड़ा सा पहले होगा, बट 9 बोल सकते हैं। तो 9 बजे से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। छुट्टी वाले दिन मेरे कपड़े वगैरह सारा कुछ धुल चुका था, मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, सो मैंने कहा कि चलो आज इसको ही सिर्फ इतना ही ब्लॉग शेयर करते हैं। इसके बाद फिर कपड़े वगैरह सूखने के लिए डालने जाऊंगी। तो छत पे अभी काम लगा हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगता है छत पे वीडियो शूट करने में। वहाँ पे ऊपर किचन बन रही है, आंटी जी की 2 किचन बन रही है रेंटेड पोर्शन के लिए, और यहाँ पे मेरी बाटियाँ कुछ बन चुकी हैं, कुछ मैंने चढ़ाई हुई हैं, दूसरी साइड मैंने दाल को चढ़ाया हुआ है,
इंच पाक गई थी, लेकिन थोड़ा सा उसमें मुझे लग रहा था कि थोड़ी सी और सीटी आनी चाहिए, तो बस मैंने एक सीटी और लगा दी और यहाँ पे बस गैस को क्लीन कर दे रही हूँ। और बाटियों में अच्छे से घी डुबो डुबो के रख दूँगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। तो ये देखो मैं इतनी निकाल के रखती चली जा रही हूँ। इसके बाद फिर मैं वो कर लूँगी, थोड़ा सा यहाँ पे फ़ोन चैट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे बाटियाँ बन जाएंगी, खाने के लिए दे दूँगी। घी गरम कर ले रही हूँ और बच्चों को खाने के लिए प्लेट लगा दूँगी। आंटी जी के लिए भी थाली भेजा दूँगी, पतिदेव जब तक नहा के आ जाएंगे तो उनके लिए भी प्लेट लगा दूँगी। और इतनी टेस्टी बाटी बनी थी, इतनी टेस्टी बाटी बनी थी। वैसे तो जो चोखा वैसा होता है बिना फ्राई किया हुआ, वैसा भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट मैं मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है फ्राई वाला। लेकिन जो है इस बार की बाटियाँ इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल जरा में फूट फूट जाए। और अगर आप लोग रेसिपी मांगेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी रेसिपी। मैंने कहा वैसे तो सभी को बनानी आती है, लेकिन नहीं आती हूँ तो फिर मुझे शेयर कीजिए, सॉरी कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, मीन्स जब भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी बाटियाँ बन के रेडी हो चुकी हैं, बढ़िया गर्म गर्म दाल, चटनी भी थी, तो चटनी भैया खाता नहीं है। इसके बाद हम लोग मकान पर आ गए थे, तो यहाँ पर चटाई बिछा ली थी। और बस यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि क्या क्या काम हो रहा है आगे। तो इस मकान को बनवाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा वो किया हुआ है, मीन्स फिर बताएंगे आप लोगों को, अभी तो खैर नहीं बताएंगे, कमेंट में अगर कोई पूछेगा तो बताएंगे, फिलहाल तो ऐसे नहीं बताएंगे, मीन्स बताएंगे अपनी जर्नी शेयर करूँगी, अभी नहीं, लेकिन जब मेरा चैनल मोनोटाइज होगा उसके बाद मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे छाप हो रही थी लैट पात में, तो यहाँ पे दो सिर्फ एक मिस्त्री और एक कारीगर ही लगे हुए हैं, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं लगाया है, मीन्स पतिदेव ने। तो यहाँ पे बेटी आ गई थी, इसके बाद यहाँ पे ये लोग खेल रहे थे चिड़िया वाला, मीन्स खेलना सीख रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने रैकेट मंगवाए हुए हैं तो अभी खेलना स्टार्ट किया है, सीख लेंगे धीरे धीरे। सो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे आपके कमेंट का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है बेसब्री से। और आप लोग जो है वीडियो को देखते नहीं हैं, अभी व्यूज बिल्कुल कम हो गया है, वहीं बहुत अच्छा व्यूज हो जाता है, वहीं बहुत कम हो जाता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे पतिदेव और बेटी भी खेलने लगी थी, तो थोड़ा सा मैंने भी खेला था, बट मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, मीन्स जैसे मैं बता रही थी कि वहीं पे व्यूज बहुत अच्छा हो जाता है, वहीं पे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बट कोई बात नहीं, लाइफ है, उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। और इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगनी पड़ती है, और धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग ला रही है, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं बट हाँ धीरे धीरे ला रही है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, व्यूज का कुछ नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहते हैं। यहाँ मैं आ गई हूँ घर, तो आप लोगों को सब्जी दिखा दे रही हूँ। मैं लेके आई हूँ चने का साग, मेथी का साग, धनिया पत्ती, मूली, अदरक, हरी मिर्ची, सारा कुछ लेके आई थी मैं, सेम वगैरह से बहुत सारा सामान, मीन्स बैंगन, आलू, सारी सब्जियां लेके आई हूँ, अमरूद। सो आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, इसी आशा के साथ में कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और रही था मेरा मॉर्निंग के लंच से लेके नाइट तक का रूटीन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।